हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो यूट्यूबर हैं या फिर इन्फ्लुएंसर कह लो, तो वो यूट्यूब पर अपना शेयर मार्केट का कोर्स सेल कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू यहाँ से करते हैं कि कल मुझे एक कॉल आया और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई, आप यूट्यूबर हैं, आप हमें इतना बताओ कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड रहे और उस वीडियो में से कोई बीच में से एक पार्ट हटा दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने कहा कि हाँ है, कि तो मैंने एक यूट्यूबर का कोर्स लिया है और उसने कुछ चीज़ें गलत बताई, ठीक है। अभी के टाइम पर मुझे लग रहा है कि वो फ्रॉड है और मैंने उसका कोर्स लिया था, मैं उसी की स्ट्रेटजी फॉलो करता था, लेकिन ये तो फ्रॉड निकला। दोस्तों, वो यूट्यूबर है स्टॉक बर्नर, ठीक है। इन्होंने एक वीडियो को बीच में से काटा है जहाँ पर मिस्टेक थी, तो ये मैं कल शाम की बात बता रहा हूँ। हालांकि स्वयं इन्होंने अपनी गलती मानी है और इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि हाँ, मैंने वीडियो को बीच में से कट किया था, मैंने अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करी थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप एक बिगनर हैं, आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट कहाँ से सीखेंगे? जो न्यू ट्रेडर है ना, वो शेयर मार्केट को सीखने के लिए कुछ जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको मार्केट कहाँ से सीखनी है। तो अब देखो, ये यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये डिजिटल ब्लॉगर, ये ट्रेडर का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक टाइम पर ये दिनेश भाई हैं, ठीक है, मतलब कि स्टॉक बर्नर, तो इनका इंटरव्यू लिया था और ये पहले आर्मी में काम करते थे, तो थंबनेल पर लिखा गया कि देखो, ये बंदा आर्मी में काम करता था और 43 लाख के आसपास का लॉस हुआ था और ये 4 महीने में कवर किया है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है। तो ऐसे करके वो वीडियो ये डिजिटल ब्लॉगर चैनल पर खूब चला, वहाँ से इनको प्रसिद्धि मिली, मतलब कि ये वहाँ से फेमस हुए। तो फिर इन्होंने जो अपना चैनल वगैरह, इस पर अभी 4.25 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर YouTube से भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं पहले तो अपना क्लियर कर दूँ कि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैंने इनके एक दो वीडियो देखे हैं, तो मुझे वो चीज़ें फील नहीं हुई वीडियो देखने के बाद। मुझे लगा कि ये तो टाइम पास के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉग टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ से उतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिल सकता। और कुछ चीज़ें अगर इनसे पूछो भी ना, तो ये उसका घुमा फिरा के जवाब देते हैं, मतलब कि डायरेक्टली उस तरीके से लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी इनके सब्सक्राइबर इतने हैं और इनके वीडियो पर व्यूज भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो एज है ना, तो वो 20-22 साल है। तो हम जैसे लड़के या फिर इनकी एज के लड़के इनको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका एक Q&A करके वीडियो था, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, ठीक है, इनके चैनल पर जाके देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस Q&A में इन्होंने क्या किया था। ये मैंने इनका एक पूरा वीडियो देखा था, अदरवाइज़ मैं इनकी वीडियो नहीं देखता हूँ। देखो, ये वीडियो मैंने पूरा वॉच किया है कि ये स्कैम के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी है और अपनी गलती भी अभी ये मान रहे हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। हालांकि इन्होंने गलती को ढकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये डिजिटल ब्लॉगर, ठीक है, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति आपको फेमस करता है या फिर जो व्यक्ति आपको बढ़ाता है ना, वो आपको कहीं से भी गिरा सकता है, ठीक है। तो ये डिजिटल ब्लॉगर ने एक टाइम पर इनका इंटरव्यू लिया था, अभी के टाइम पर इस वीडियो में इन्होंने बोला है कि मैं इनका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। फिर चाहे वो प्राइवेट करें या फिर उसको डिलीट करें, पर चैनल पर वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हमारे चैनल पर आकर कोई इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते कि वो व्यक्ति फ्यूचर में क्या करेगा, ठीक है, वो हमेशा सही रहेगा। हम अब तक का, मतलब कि वो देखकर और उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो अभी इन्होंने इनका वीडियो अपने चैनल से हटा दिया है, ठीक है, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे तब भी, ठीक है। तो दोस्तों, स्टॉक बर्नर ने एक Q&A करके वीडियो बनाया था, अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा नीचे ये वाला दोस्तों Q&A करके वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैंने पूरा देखा था, अभी मैंने दोबारा आज फ्रेश को यहाँ तक देखा है। तो यहाँ पर इनसे नेटवर्थ के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो वो भी इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के जवाब दे दिया। और YouTube इनकम के बारे में पूछा था, तो वो भी ऐसे घुमा फिरा के जवाब दे दिया। अब आप ये बोलोगे कि नहीं, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट जवाब दिया ही नहीं जाता, इसीलिए घुमा फिरा के जवाब दे दिया। लेकिन जो आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सही, मतलब कि बैठना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ। तो इन्होंने बोला है कि मैं YouTube से इतना पैसा कमाता हूँ जितना कि जीरोधा को हमारा ब्रोकरेज चला जाता है।
तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि मैं इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। अब इनके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये क्या है, कोर्स सेल करते हैं, और जो भी व्यक्ति कोर्स सेल करता है उससे मैं बहुत ज़्यादा दूरी बना लेता हूँ। जो व्यक्ति फ्री में सिखा रहा है ना, मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूँ। अभी के टाइम पर दोस्तों मैं आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो इनका ये स्टॉक बर्नर का जो मुझे कॉल आया था, तो इनका कोर्स लिया था, ठीक है, तो अभी के टाइम पर वो ये बोल रहा था कि ये तो फेक निकला, ठीक है, ये तो फ्रॉड निकला, उसने ऐसा बोला। ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा। अब दोस्त इसके बाद बात आती है, ये डिजिटल ब्लॉगर के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टॉक बर्नर के बारे में बता दिया। अब स्टॉक बर्नर जो अपना कोर्स बनाते हैं, तो इन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि जो स्टॉक बर्नर है ना, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का कोर्स अपने एप्लीकेशन में डाल देते हैं, फिर वो मतलब कि उसको सेल करते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकती हैं, तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है इन्होंने। ये जो वीडियो बना, ये जो वीडियो में प्रूफ दिखा रहा है ना, तो इस व्यक्ति ने इनसे बात भी की है, ठीक है, दिनेश सिंह से, या फिर दिनेश इनका नाम जो भी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप शेयर मार्केट को फ्री में भी सीख सकते हैं। जो व्यक्ति फ्री में सिखाते हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ और उन्हीं से मैं सीखा हूँ। मैंने 49 रुपये का कोर्स ख़रीदा था, ठीक है, किसी का PDF था, तो इंस्टाग्राम पर मैंने देखा तो मैंने उसको ले लिया। मैंने कहा 49 का नहीं 99 रुपये का आया था, मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने वो लिया ना, तो एकदम वो ना कॉपी पेस्ट कहीं से किए गए थे, और उसमें वाटरमार्क डाल दिया अपने चैनल का, अपने नाम का, ठीक है, फिर उसी को सेल कर रहे हैं। उसमें जो भाषा थी ना, तो वो अटपटी थी। जैसे कि दोस्तों अगर मैं कभी इन फ्यूचर अगर कोर्स बनाता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो बात ये है कि मैं कोर्स बनाऊँगा नहीं, फिर भी अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मैं कोर्स बनाऊँ, और कोर्स में मैं देखो कोर्स में क्या दोस्तों, क्रम से चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और ये जो कोर्स की तरह ही अपने जो पुष्कर राय ठाकुर है ना, तो इन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, ठीक है। जब आप इनका चैनल ओपन करोगे ना, तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो इनकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें इन्होंने अच्छे तरीके से सिखाया है, ठीक है, कोई इनकी एक प्लेलिस्ट है आप देख लेना, तो A to Z शेयर मार्केट के बारे में सिखाया है। अब आप बोलोगे कि नहीं वो वीडियो तो हमने देख ली, तो भाई वही चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें वही हैं, बस बात ये कि थोड़ी सी घुमा फिरा के। और पता है जो व्यक्ति कोर्स अपना सेल करता है ना, और वो फ्री में कुछ सिखाता है, तब भी आपको उसका वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपको फ्री में सिखाएगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो चीज़ें आपको नहीं बताएगा, या फिर आपको एक चीज़ नहीं बताएगा, बोलेगा कि इस चीज़ को मैंने अपने कोर्स में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप हमारा कोर्स ले लीजिए, 4000 का कोर्स है, और इस पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 2000 रुपये का। आपको ऐसा लगेगा कि चलो हमको 2000 रुपये का मिल रहा है 4000 की चीज़, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ है, तो एक तो ये नीरज जोशी है, इन्होंने कोई भी अभी तक कोर्स वगैरह अपना नहीं बेचा है, ठीक है, जब से मैं इनको देख रहा हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। इनकी तुलना अगर किसी इन यूट्यूबर से की जाए ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, और आप इनके कमेंट पढ़ोगे या फिर इनके व्यूज देखेंगे, तो इनसे काफ़ी सारे लोग सीख रहे हैं। अब देखो दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए कि सड़क है, अब सड़क पर ना सब तरीके के आपको लोग मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या है, सड़क पर खुद को बच के चलना होता है, ठीक है, कुछ ट्रक वाले भी आएंगे, कुछ कार वाले भी आएंगे, कुछ लेडीज़ भी कार चलाएंगी, कुछ बच्चे भी अपनी साइकिल चलाएंगे जो कि स्कूल को जा रहे हैं, ना समझें उनको ट्रैफिक के रूल नहीं बताए, लेकिन आप कार से जा रहे हैं या फिर बाइक से जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, खुद तो कंट्रोल में रहोगे ही, साथ ही आप ये भी देखोगे कि दूसरा किधर से आ रहा है, हमें कोई दूसरा ना ठोक जाए। तो इसी तरीके से जब आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं आके हमको लूट ना ले जाए, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो सबको पता है कि शेयर मार्केट के वीडियो ही वही देखता है जिसके पास पैसा है, या फिर वो पैसा अरेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं ना, तो उनके माइंड में क्लियर है कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आप ट्रेड करोगे तो उस पैसे को कैसे भी करके मैं भी उसमें से थोड़ा बहुत ले लूँ, आपको लॉस हो वो तो होगा ही, ठीक है। तो दोस्तों एक ये नीरज जोशी है, और एक ये पुष्कर राय ठाकुर हैं, एक है दोस्तों महेश चंद्र कौशिक,
ठीक है, इनके तो वीडियो में आपको क्वालिटी भी मिलेगी, ठीक है, तो इनके थंबनेल भी अच्छे मिलेंगे, मतलब कि इनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकती हैं। पुष्कर राय ठाकुर, इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपको वीडियो में एंड तक चिपका के रखती हैं, ठीक है, तो आप इनके भी वीडियो मतलब कि आप इनकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है, लेकिन ये जो है ना महेश सर, तो इनकी तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से सरकारी स्कूल में गाँवों में पढ़ाया जाता है ना, वैसे अभी ये वीडियो बनाती हैं, देखो ऐसा इन्होंने ये बोर्ड लिया हुआ है, इस बोर्ड पर ये इस तरीके से पढ़ाती हैं, इनके पास ना तो कोई टीम है ना कुछ है, लेकिन ये सेवी रजिस्टर्ड है, ठीक है। आपको ऐसा डिस्क्लेमर नहीं मिलेगा कि आई एम डू नॉट सेवी रजिस्टर्ड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी रहेगी, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस करो, तो ये सेवी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इन्हीं लोगों से सीखता रहता हूँ, दो चार लोग और हैं, मैं उनके भी वीडियो देखता हूँ, और ये डिजिटल ब्लॉगर है ना, तो ये यहाँ पर अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं इनके भी यूट्यूब चैनल पर जाकर इंटरव्यू वगैरह कभी कभी देखता हूँ, हालांकि मैं मतलब ये बंदी हमें अच्छी लगती है, ठीक है। ये जो बच्ची है ना, देखो इनकी एज वैसे तो खैर मुझसे कम होगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बंदों को देखता नहीं हूँ, ठीक है, जो कोर्स वगैरह बेचती हैं। अब पता है एक जो क्यू एन ए है ना, तो क्यू एन ए में इनसे पूछा गया था कि आप अपना पी एन एल दिखा दो, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दो, तो उन्होंने बोला कि मुझे 3 करोड़ का अभी लॉस चल रहा है, और मैं YouTube के थ्रू उस लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि मैं YouTube से पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि अब क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, कुछ मैं अभी मैं बोलना नहीं चाहता। तो अगर आप हमारे व्यूअर हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप उन व्यक्ति से बहुत दूर रहें जो व्यक्ति ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं, जो आपको कोर्स के द्वारा ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। कौन कहता है कि आप ट्रेडिंग कोर्स खरीद कर ही सीख सकते हैं, आप ट्रेडिंग को बिना कोर्स खरीदे इन लोगों के द्वारा सीख सकते हैं जिनके बारे में अभी मैंने ये जो आपको बताया है। आप हमारी तरह इस तरीके से दोस्तों बुक भी खरीद सकते हैं, ये बुक खरीद कर भी आपको शेयर मार्केट में सीखने को मिलेगा। आप गूगल पर जाकर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो आप गूगल पर सर्च करिए ना इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, तो वहाँ पर इंट्राडे के बारे में लिखा होगा। आप 4 लोगों के ब्लॉग पढ़ लीजिए, ठीक है, 4 लोगों के आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीख जाएंगे। फिर आपको कोर्स ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, जो व्यक्ति कोर्स खरीद रहे हैं ना, वो भी वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या फिर 4 लोगों का पढ़ के और खुद का मिक्स करके और कोर्स आपको बेच रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों स्मार्ट आपको बनना है कि आपको अपना पैसा किस तरीके से बचाना है। अब दोस्तों ये कुछ, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था स्टॉक बर्नर, तो सिर्फ स्टॉक बर्नर ही नहीं, काफ़ी सारे लोग कोर्स बेचकर लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे दोस्तों जो कोशिश करी थी ना, तो वो विशालवी मलकान ने की थी। अभी के टाइम पर भी विशालवी मलकान मुझे काफ़ी सारे मेल करते हैं, दिन में 2-3 मेल देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वो हमें डेडलाइन डेली उनका डेडलाइन रहता है कि ठीक है कि आई डेडलाइन है, आई डेडलाइन है, आज आप कोर्स खरीद लीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, मैंने 20 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आए सोए मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, तो सबसे पहले दोस्तों मुझे एक कमेंट दिखे, ये मेरा वीडियो है, तो मैंने पहले भी जो व्यक्ति ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा है उनको मैंने एक्सपोज्ड किया था, तो उस वीडियो में मैंने विशालवी मलकान के बारे में बताया था। तो विशालवी मलकान ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की वो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो विशालवी मलकान के क्या है, जब आप किसी का भी वीडियो प्ले करेंगे ना, तो उससे पहले ऐड चलेगा, तो वहाँ पर मैंने विशालवी मलकान का ऐड देखा और वो बता रहे थे कि हमारी ये 2 घंटे की क्लास है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं उसको ज्वाइन करने के लिए गया, ठीक है, तो उस पर 99 रुपये चार्ज लिया गया था, तो मैंने 99 रुपये पे कर दिया। मैंने कहा कि चलो अच्छा बताएंगे, एक्सपीरियंस इनको है, तो मैं दोस्तों उसको ज्वाइन किया, तो उन्होंने वही चीज़ें बता दी जो पुष्कर राय ठाकुर के चैनल पर आके उन्होंने बताई थी, जैसे कि मैं विशाल पी मलकान, ठीक है, जैसे कि इनका ये वीडियो है ना, तो यही चीज़ें उन्होंने 2 घंटे की क्लास में बताई थी, 1 घंटे तक बताई, ठीक है। 1 घंटे के बाद जो 1 घंटा बचा ना, तो वहाँ पर ये अपने कोर्स के बारे में बताते रहे कि हमारा ये कोर्स है 8 लाख का है, ये 1 लाख का है, और जो 1,18,000 रुपये का कोर्स था ना, वो उसको घटा घटा के लेके आ गए 7,000 पर, और QR कोड कर दिया स्क्रीन पर कि आप पेमेंट करिए और अभी इसको खरीदिए, अदरवाइज इसका जैसे नाप तौल वाला TV पर पहले चलता नहीं था कि अभी खरीदो अभी खरीदो, तो वैसा ही इन्होंने यहाँ पर हालत कर दी। तो मैंने फिर 2 घंटे वहाँ पर गुजारी नहीं, मैंने जल्दी से वहाँ से खुद को हटाया, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर फिर वही मैंने अपना एक्सपीरियंस था, तो मैंने इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो में देखो यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया है, अमरजीत सिंह ने, मैं भी विशालवी मलकान के स्कैम में आ गया था, 20,000 रुपये का कोर्स चिपका दिया, 20,000 कोर्स लिया तो बोलता है 8 लाख
का कोर्स परचेज करना पड़ेगा ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो यही है, पहले 99 रुपये लेते हैं तो 7,000 या फिर 20,000 रुपये का कोर्स चिपकाते हैं, फिर इसके बाद दूसरा कोर्स बताते हैं, क्योंकि पहले 99 रुपये पे किया, ठीक है, तो आपको 2 घंटे की क्लास मिली, तो 2 घंटे में कहीं ना कहीं बात यह कि आप उस टाइम की वैल्यू तो करोगे ना, क्योंकि आपने 99 रुपये पे किया है। ठीक है, तो उसमें आपको छोटा सा एक कोर्स दिया गया, ठीक है, फिर इसके बाद आपको बड़ा सा कोर्स मिलने लगा। और देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर एक्सपोजिंग, तो इन्होंने मुझे थैंक्स बोला है, राइट सर सुपर, मेरा सेम एक्सपीरियंस है, तो इनका भी सेम एक्सपीरियंस है विशालवी मलकान के पास। अब दोस्तों पता है होता क्या है, ये जो लोग हैं ना तो हमको लगता है बड़े बड़े हैं, अब इन्होंने किसी क्रिकेटर को खड़ा कर लिया, ठीक है, उससे एक अवार्ड ले लिया, अब बताओ क्रिकेटर जो ट्रेडिंग करता ही नहीं है, ठीक है, आप उससे अवार्ड ले रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि ये तो क्रिकेटर से अवार्ड ले रहे हैं, ठीक है, क्रिकेटर ने कभी ट्रेडिंग थोड़ी की है, उसको तो फिर करता भी होगा लेकिन उसको तो क्रिकेट अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, तो दोस्तों वो चीज़ है भाई, तुम एक बार इनकी चैनल देख लो, अभी 2 का प्रॉफिट बुक किया, तो दोस्तों प्रॉफिट सबको होता है, अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा ना तो मुझे भी प्रॉफिट ही होता है, मुझे लॉस थोड़ी ना होता है, और मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, मेरे को जेन्युइन टीचर बता दो, तो जेन्युइन टीचर ये अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, और भी मैं अब ये शायद ख़त्म हो गए, ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया है, जिसकी ट्रेड अच्छी है वो कोर्स क्यों बेचेगा बिग स्कैम, ठीक है, सच बात है दोस्तों, जिस व्यक्ति को ऐसा पता है कि मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपये लगा कर इससे 50,000 बना सकता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ से प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो वो जो न्यू ट्रेडर हैं, ठीक है, जिनके पास 5,000, 10,000, 20,000 रुपये है, वो उनसे कोर्स के नाम पर क्यों पैसे झटकेगा, आप भी इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, आप हो, मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, आप हो और आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना आता है, ठीक है, आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकती हैं और आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आप पैसे वाले लगते हैं, आपके पास पैसा है, क्या आप अपना पैसा शेयर मार्केट में डाल कर पैसा नहीं कमा सकते, फिर आप क्या जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं आप उनसे लोगे, नहीं लोगे आप तो, और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप गरीबों की मदद करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों ट्रेडिंग करने वाले काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा कहीं से कर्ज काट के लाते हैं, ठीक है, वैसे बोला जाता है कि ट्रेडिंग कर्ज निकाल कर ना करें, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं बेरोजगार हैं, उनके पास कुछ चारा ही नहीं है और पैसा उनकी इनकम है ही नहीं, तो वो इनकम बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए कहीं से वो 10-20,000 रुपये लेते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, आप तो YouTube पर बोल देते हैं कि कर्ज निकाल कर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, डिस्क्लेमर में डाल देते हैं खुद के बचाव के लिए, लेकिन लोग कर्ज निकालते हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो दोस्तों यही है कि आपको खुद को बचाना होगा, ठीक है, अदरवाइज स्कैम करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, कोर्स आपको काफ़ी सारे लोग चिपकाते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।